तो फाइनली हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वीवो V30 प्रो और ओप्पो रेनो 11 प्रो में से आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, और वहां पर मैंने आपको कहा था कि आप बता देना आपको इस स्मार्टफोन का किसी और साथ स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन चाहिए। तो वहां पर काफी सारे दोस्तों ने कहा कि 12 के साथ इसका कंपैरिजन करो। तो मैंने शुरुआत में सोचा कि 12R कह रहे होंगे काफी सारे दोस्त, लेकिन भाई वो रियल में 12 ही कह रहे थे। और सच बताऊं मैं 12 और वीवो V30 प्रो का बेसिकली कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि इनका प्राइसिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस देखा जाता है। अप्रोक्स में बात करूं तो 20 to 25,000 के अप्रोक्स इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग में फर्क देखा जाता है। लेकिन आपकी डिमांड है तो भाई मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों स्मार्टफोन में से अगर आपको एक स्मार्टफोन खरीदना हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन किस चीज में हमें बेहतरीन देखने में जाता है। तो ये सारी चीजें हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं, एंड अच्छा होने वाला कंपैरिजन। बेसिकली आपको भी नॉलेज के लिए पता चल जाएगा अगर आप कंफ्यूज हो थोड़े है भी वन प्लस 12 वर्सेस वीवो V30 प्रो में से, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ अगर आप भी और ऐसे कुछ कंपेरिजन देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट के ऊपर मैं कंपेरिजन लाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो वीडियो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। देखो प्राइसिंग वगैरह हमने पहले ही बात लिए, तो प्राइसिंग के ऊपर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर देंगे, अभी हम डायरेक्ट स्पेक्स के ऊपर चल पड़ते हैं। लुक एंड डिजाइन की यहाँ पर बात करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले वीवो V30 प्रो की बात करूं तो बैक में आपको मैट फिनिशिंग के साथ डिजाइन देखने जाता है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने जाता है, लाइट वगैरह काफी अच्छी चीजें देखने जाती है। बेसिकली पैक का डिजाइन अच्छा देखने मिलता है, शुरुआत में तो हमें अटपटा लगता था लेकिन अभी बताऊं तो अच्छा लगता है। और फ्रंट साइड में आता हूं तो मिड कंसोल डिस्प्ले है, 1.5 के एमोलेड पैनल देखने जाता है, 2800 की पीक ब्राइटनेस है, बेजल्स काफी हद तक कम देखने जाते हैं, और कर्व एजेस की वजह से ओवरऑल जो हैंडसम फील रहती है, जो डिजाइन रहता है वो हमें यहाँ पर काफी अच्छा देखने जाता है, आउटडोर विजिबिलिटी रहती है वो भी हमें काफी अच्छी देखने जाती है। दूसरी तरफ अगर मैं 12 की बात करूं तो यहाँ पर बैक में ग्लोजी डिजाइन देखने जाता है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप ही हमें यहाँ पर देखने जाता है। ओवरऑल अगर बैक के डिजाइन की बात करूं तो टोटली अपोजिट हमें देखने जाता है वीवो V30 प्रो से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम देखने जाता है, ऐसा देखो हमें कुछ भी देखने नहीं मिलता। फ्रंट साइड में आता हूं तो यहाँ पर LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने जाता है, एंड 1600 निट्स की ब्राइटनेस देखने जाती है, और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमें देखने जाती है। डिस्प्ले काफी अच्छी देखने जाती है, कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन हमें देखने जाती है, जो डिस्प्ले कलर्स हमें देखने जाते हैं वो भी हमें यहाँ पर काफी बेहतरीन देखने जाते हैं, और अच्छी ब्राइटनेस होने की वजह से यहाँ पर भी जो आउटडोर विजिबिलिटी आपको देखने मिलती है वो यहाँ पर काफी अच्छी देखने जाती है। देखो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन है काफी अच्छे हैं, डिस्प्ले काफी अच्छी है, बेसिक फिर भी आप डिजाइन आप बता देना आपको कौन से स्मार्टफोन का डिजाइन पसंद आया, क्योंकि डिजाइन के मामले में भाई हर किसी की एक अलग पसंद होती है, तो ये चीज इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कौन से स्मार्टफोन का डिजाइन पसंद आया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेज की तो नो डाउट यार वन प्लस 12 की डिस्प्ले थोड़ी ही बेटर हमें देखने जाती है, चाहे मैं बात करता हूँ आउटडोर विजिबिलिटी की, डायरेक्ट सनलाइट में लेकर जाओगे तो वन प्लस 12 की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा ब्राइट आपको देखने को मिल जाएगी, एंड सेम कलर्स के मामले में अगर मैं बात करता हूँ तो वन प्लस 12 की डिस्प्ले है थोड़ी ही हमें बेटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्मार्टफोन के कैमरा की बात करता हूँ, वीवो V30 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरा के साथ देखने जाता है, जहां पर प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का देखने जाता है, सेकेंडरी अगेन 50 मेगापिक्सल, एंड थर्ड है वो भी हमें 50 मेगापिक्सल का देखने जाता है, सेल्फी है वो भी 50 मेगापिक्सल की देखने जाती है। दोनों ही तरफ आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने जाएगा, चाहे मैं सेल्फी की बात करूँ या मैं बात करता हूँ रियर कैमरा की। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ वन प्लस 12 5G स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा के साथ देखने जाता है, जहां पर प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का जो कि पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ आता है, एंड थर्ड लेंस है वो हमें 48 मेगापिक्सल का देखने जाता है। यहाँ पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है रियर कैमरा में, एंड सेल्फी की बात करो तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने जाती है, एंड सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है। देखो यार दोनों ही स्मार्टफोन कैमरा वाइज काफी अच्छे देखने जाते हैं, और होना भी चाहिए भाई, दोनों स्मार्टफोन काफी बेहतरीन स्मार्टफोन देखने जाते हैं, और इस वजह से अगर मैं सेल्फी की बात करूँ ना, मैं भी थोड़ी बहुत पॉइंट आपको वीवो V30 प्रो की तरफ जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रियर कैमरा की तो नो डाउट यार यहाँ पर वन प्लस 12 अगेन बाजी मार लेता है, और वन प्लस 12 की जो पिक्चर क्वालिटी आप देखोगे वो यहाँ पर काफी अच्छी देखने जाती है, और सेम एज इट इज आपको वीडियो क्वालिटी के अंदर भी देखने जाता है, जो वीडियो क्वालिटी देखने जाती है, जो वीडियो में स्टेबिलिटी देखने जाती है, वीडियो में क्वालिटी आपको देखने जाती है, जो कलर्स आपको देखने मिलते हैं वो वन प्लस 12 में आपको काफी हद तक बेहतरीन देखने मिल जाते हैं। तो इन सब की वजह से अगर मैं बात करता हूँ एक कंक्लूजन पर निकलता हूँ, और हम बात करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन की जो कि आपको बेहतरीन कैमरा क्वालिटी
क्वालिटी दे, तो नो डाउट यार वन प्लस 12 है ना आपको थोड़ी ही बेहतरीन कैमरा क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकता है। फाइनली अभी चल पड़ते हैं परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप की तरफ, और परफॉर्मेंस की यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो वीवो वी थर्टी प्रो में देखने जाता है मीडिया टेक डायमेंसिटी 8200 चिपसेट के साथ, जो कि 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड देखने को मिल जाता है, और स्टोरेज टाइप की बात करूँ तो UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप हमें देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन अच्छा है बेसिकली। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ वन प्लस 12 की, तो ये स्नैपड्रैगन के 8 जेन 3 चिपसेट के साथ देखने जाता है, बेसिकली ये भी 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लेकिन भाई चिपसेट काफी पावरफुल है। दूसरी तरफ अगर मैं इसके स्टोरेज टाइप की बात करूं तो UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप हमें यहां पर देखने को जाता है। दोनों के ही एंटूटू बेंचमार्क स्कोर यहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, और यहां पर आप देख सकते हो भाई दोनों के ही एंटूटू बेंच स्कोर में आपको काफी ज्यादा फर्क यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहां पर कहीं ना कहीं आप फर्क को देखते हुए आप भी बता सकते हो कि कौन सा स्मार्टफोन यहां पर बेस्ट है। नो डाउट यार वन प्लस 12 है ना आपको काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर प्रोवाइड करवा देता है एज टू कंपेयर करें वीवो वी 30 प्रो से। इजिली आप हाई ग्राफिक्स पर जा सकते हो लैग फ्री, और हालांकि लैग फ्री तो वहां पर वीवो वी 30 प्रो में भी देखा जाएगा, लेकिन भाई आपको काफी ज्यादा फर्क देखने जाएगा स्मूथनेस में या हैवी टास्किंग में, आप भाई वन प्लस 12 को यहाँ पर चूज कर सकते हो। लास्ट में फाइनली अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ तो वीवो वी 30 प्रो आपको 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करवाता है, 80 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, जबकि बात करता हूँ वन प्लस 12 की तो ये आपको 5400 mAh की बैटरी प्रोवाइड करवाता है, 100 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो नो डाउट यार यहाँ पर भी हमें सीधा सीधा ही फर्क देखने को मिल जाता है, एंड अगेन वन प्लस 12 यहाँ पर विन हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो एंड्रॉइड वर्जन की, तो दोनों स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 14 देखने को जाता है। बात करता हूँ डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको फास्ट देखने जाता है। तो ये थी दोस्तों सारी चीजें दोनों स्मार्टफोन के बारे में जो कि मैंने आपको बताई, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी बात करते हैं कि अगर इन दोनों स्मार्टफोन में से हमें एक स्मार्टफोन खरीदना हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। देखो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन बेहतरीन, और दोनों ही स्मार्टफोन अपने अपने प्राइसिंग के हिसाब से अच्छे फीचर हमें प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन की और हमें इन दोनों में से ही एक स्मार्टफोन चूज करना है, तो नो डाउट यार वन प्लस 12 काफी ज्यादा बेहतर है। जी दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा थोड़ा बहुत, काफी ज्यादा बेहतर है वीवो वी 30 प्रो से लगभग हर एक चीज में, चाहे मैं डिस्प्ले की बात करूं, कैमरा की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं या बैटरी की बात करूं। तो अगर आप कंफ्यूज थे इन दोनों स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन चूज करने के लिए, तो नो डाउट यार वन प्लस 12 आप चूज कर सकते हो, आपके लिए काफी बेहतरीन चॉइस हो सकती है। तो ये था दोस्तों एक छोटा कंपैरिजन दोनों स्मार्टफोन का, कैसा लगा आपको आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट में। जय दोस्तों।